दिसांगमुख में भयंकर अग्निकांड, 4 लाख की संपत्ति जलकर खाक। दिसांगमुख माजरबाड़ी गांव में सिलेंडर फटने के कारण आग में भस्म हुआ एक घर, 4 लाख की संपत्ति जलकर राख हुई। स्थानीय लोगों की प्रचेष्टा में बाल बाल बचे माजरबाड़ी गांव के कई घर। दिसांगमुख पुलिस चौकी अंतर्गत माजरबाड़ी गांव निवासी जयचंद्र पांगिंग नामक व्यक्ति का घर कल रात करीब 9:30 बजे गैस सिलेंडर फट जाने के कारण संपूर्ण रूप से भस्मीभूत हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर फटने के कारण जयचंद्र के करीब 4 लाख की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात मानसिक रूप से बीमार पिता के लिए अपने पुत्र ने पानी गर्म करने के लिए सिलेंडर गैस चलाते समय आग लग गई। आग को चारों तरफ फैलता देख परिवार के सभी सदस्य अपने प्राण बचाने के लिए घर से निकलकर चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में आग ने भारी रूप धारण कर लिया। बाद में स्थानीय लोगों के प्रचेष्टा में आसपास के घर समूहों को इस अग्नि के चपेट में आने से बचा लिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही दिसांगमुख पुलिस चौकी के प्रभार भारप्राप्त अधिकारी कनक बीजबरुआ के साथ एक पुलिस दल और अग्निशमन विभाग की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, परंतु घर को आग से बचाने में सक्षम नहीं हुए। सभी जलकर खाक हो चुकी थी। अग्निकांड में परिवार के सभी सदस्यों के संपत्ति के साथ साथ 2 पुत्र की शिक्षा की प्रमाण पत्र और नकद धन गहने कपड़े जलकर राख हो गए। उक्त परिवार को स्थानीय लोगों और माजरबाड़ी उन्नयन समिति द्वारा कुछ सहायता प्रदान किया गया है, परंतु परिवार वाले लोगों को दिन में ही अंधेरा नजर आने लगा है। इधर गांव पंचायत के अध्यक्ष शांति राम पांगिंग ने सभी प्रकार के सहायता करने की बात कही है। जय सुंदर पांगिंग पिता स्वर्गीय सुंदरराम पांगिंग गांव नाम माजरबाड़ी गांव पोस्ट ऑफिस दिसांगमुख शिवसागर जिला तकेतर सौ लाटे गरम पानी गरम करें तकते खाने बनब गई गई मिली गरम पानी बनवा हल हुआ गरम पानी बनब लौते लो क्या दुख पासी नी क्या आघात पासी नी नपाले तेजे मैं अक दौरी गई बाचिले टाइम प्राय समय तो साढ़े 9 बजे साढ़े 9 बजे जुड़ लगे न और प्रशासन तरफ पर क्या आलमक आगे कम प्राय 11 बजे आम कर्मी निवासक बाहन शिवसगर जिला और दिसांगमुख घर भगज पत्र दी सोनर अलंकार विभिन्न पासबुक और मैं देखी एन नाव आलोक नाव बिजनेस नाव जलि गए सचे कल रात जी घटना सचे दुख लगा घटना कल प्राय 9:30 बजा तो एक्चुअली कबले गले जयचंद्र दूटा पुत्र आसे कैटलुक दूर गरम पानी जाते शुनीसो गरम पानी जाते गेस तो ज्लाते गेस तो जुड़ लग गल और ब्रास्ट हमें धरले और ये लाटे एकदम पलाय पटंग और गोटे घर तो इतना अपने देखी से गोटे घर तो जलि शेष गोटे राइजे राति हवा मेला ना गोटे राइजे जुई तो नुम चेस्ा कर अलग देरी पीछे 1 घंटा पीछे अग्नि निर्वापक बाहन आई घर तो नुम चेस्ा कर सके आम प्रकाशनको दुख दी ना तथा प्रकाशने दुर्भाग्य जयचंद्र पांगिंग क्या सुविधा कर दी आम आशा रखी उन्नयन समिति तरफों पर माजबाड़ी उन्नयन समिति और आज रातिपर आम बासा राइजर पर तुम मिली अंत अस्थायी अस्थायी घर पूरा बनाय दिया व्यवस्था कर खाद्य सामग्री उन्नयन समिति तरफों पर आम जोान धरने चेस्ा कर भाव प्रकाशने अलग साल एखेलोक हेरी तो चिंता चर्चा कर तुम्हार नाम तो कि कल रात प्राय 9 बजा दिसांगमुख गांव पंचायत अंतर्गत माजरबाड़ी वार्डर मैं जयचंद्र पांगिंग घर अपना जुए ज्वलि एक बार घर जागल अति हृदय विदारक एक घर आज अक जयचंद्र पांगी और तर लोजन आज 5-6 बस आगत माइकी मनो जी दुखाल दुखार पाशते
এই জয়চন্দ্র পাঙ্গিয়ে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ হেৰি দুর্বল হয়ে আছিল আৰু তেওঁ এতিয়াও কথা কথা নকয় আৰু বৰ দুখৰ বিষয় এটা মানে কি কালি ৰাতি কেনেকে হল তেওঁক আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁ ক'লে যে এইটো আমি পানী ভৰাই পানীটো উতলাই দিছিলোঁ পানী উতলাৰ পাছত কেনেকেনো জ্বলিলে তেওঁ নিজেও ধৰিব নোৱাৰিলেগে গতিকে আমি যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় খবৰটো পাই ইয়াৰ মাজৰবাৰী গাঁৱৰ যুৱ সংঘই হওক ডেভেলপমেণ্ট কমিটিয়ে হওক সমূহ ৰাইজ উপস্থিত হৈ যাতে এই ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰখিনিৰ যাতে যে জুই যাতে নপৰক তাৰ কাৰণে আমাৰ উন্নয়ন কমিটি আৰু যুৱ সংঘৰ সমূহ ৰাইজ পৰা আমি সহায় কৰিছিলোঁ আৰু এই মৰ্মে এই জয়চন্দ্ৰ ঘৰৰ বাইৰে আৰু বাকী ঘৰ জুইৰ পৰা আমি বচাবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ গতিকে এতিয়া আমি ৰাইজৰ সহযোগ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যুৱ সংঘ আৰু ডেভেলপমেণ্ট কমিটিয়ে ইতিমধ্যে এতিয়া প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা বাচা আমি কাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাতে যে অস্থায়ীভাৱে এই মানুহঘৰ থাকিব পৰাকৈ আৰু অনাগত দিনত আমি ভৱিষ্যত কি কৰিব লাগে আমি ডেভেলপমেণ্ট কমিটি আৰু সমূহ ৰাইজৰ আলোচনা কৰিম পঞ্চায়তৰ পৰাই হওক বা ৰাইজৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা চৰকাৰী তৰফৰ পৰাই হওক কি কৰিব লাগে আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িম প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছিলে নে এই জুই জ্বলি থাকোঁতে কিবা মানুহ আহিছিলে একচুৱেলি যেতিয়া জুই জ্বলি আছিলে জুই জ্বলি থকা সময়ত আমাৰ দিচামুখ কাৰ্যচকীৰ সমূহ কৰ্মচাৰীসকলে আহিছিল তাৰপিছত প্ৰায় এঘণ্টামানৰ পাছত আমাৰ অগ্নি নিৰ্বাহক কাৰ্যকৰ্তাসকলো আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত ৰাইজে এই জয়চন্দ্ৰ পাঙ্গিঙৰ যিটো জ্বলি থকা ঘৰখন আমি মানে কি হেৰি কৰিবলৈ সমাধান কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ